दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सभी देख रहे हैं यूपी न्यूज तहतक और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों चलिए बड़ी खबरों के साथ पे शुरू करते हैं। कच्चे और संविदा कर्मचारियों की जो न्यूज आ रही है उसके बारे में आप लोगों को दे रहे हैं पूरी डिटेल्स में जानकारी। दोस्तों मैं अपने चैनल पर लगातार आप लोगों के बारे में जानकारी बताता रहता हूँ। कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी एवं समस्त प्रकार के जो संविदा कर्मचारी हैं एवं विभिन्न प्रकार की जो न्यूज होती हैं उनको मैं अपने चैनल पर कवर करने की कोशिश करता हूं। हमारा प्रयास यह रहता है कि आप लोगों को जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से जो भी जानकारियां हों वो आप तक लगातार पहुंचती रहें। जो भी सही जानकारियां हों, सटीक जानकारियां हों या फिर कुछ गलत जानकारियाँ जो चलती हैं और वो भी आप लोगों तक जो है पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। साथ में ये भी बताता हूँ कि ये जानकारी सही है या गलत है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के एक सवाल आ रहे हैं, उनका सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा। कुछ लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि क्या 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसका बेनिफिट कच्चे कर्मचारियों या संविदा कर्मचारियों के ऊपर पड़ेगा और क्या सरकार कुछ संविदा कर्मचारियों को राहत दे सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सरकार हमेशा जो है अच्छे कामों के लिए जो है प्रोत्साहन जरूर देती है, वो चाहे जिस विभाग के कर्मचारी हों। अगर सरकार को लगता है कि वो विभाग अच्छे से काम कर रहा है तो हमेशा जो है आपने देखा होगा कि हमेशा जो है कर्मचारियों के हित में जो है सरकार काम करने का प्रयास करती है और सरकार का ये धर्म भी होना चाहिए कि वो जो है जितने भी अच्छी चीज़ें हों उनको प्रमोट करे और उनको एक इतना उचित मानदेय भी दे कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके। तो दोस्तों चलिए कुछ बड़ी खबरें, कुछ कटिंग भी आपको दिखा रहे हैं पेपर की। तो जो हमको मिली है जानकारियां उसमें दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 2024 से पहले जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पक्का 100% किया जा सकता है ऐसा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकार के ऊपर रहती हैं। सरकार की जो मंशा होगी, जो लाभ देना होगा वो सरकार ही देगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगर सरकार चाहेगी तो पक्के भी हो सकते हैं कर्मचारी और अगर चाहे तो जैसे हैं यथास्थिति वैसी बनी रह सकती है। और कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए।